माई लास्ट नेम इज ली, ब्रूस ली। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रूस ली के बारे में, एक महानतम मार्शल आर्टिस्ट, या ऐसे कहें मार्शल आर्ट के पिता, या फिर ऐसे कहें एक महानतम फिलोसोफर, या फिर ऐसे कहें महानतम टीचर कहें, क्या कहें शब्द कम पड़ जाता है एक बेहतरीन एक्टर के बारे में, क्या कहें शब्द छोटा पड़ जाता है एक बेहतरीन राइटर के बारे में, क्या कहें शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है एक बेहतरीन महानतम फिलोसोफर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रूस ली के बारे में, और ये जानेंगे ब्रूस ली को क्यों महानतम स्टैंडमैन कहा जाता है। आज तक उनकी तरह कोई स्टैंडमैन पैदा नहीं हुआ, आज तक उनकी तरह कोई मार्शल आर्टिस्ट पैदा नहीं हुआ, और आज तक उनसे ज़्यादा स्पीड में पंच मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और उनसे बेहतर इंसान भी मैं कहूँ तो पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रूस ली हम सब के लिए दोस्तों क्या है, एक इंस्पिरेशन है। ब्रूस ली की जो लाइफ है वो खुद एक बेहतरीन फिलॉसफी है। उन्होंने जिस फिलॉसफी के बारे में दुनिया को बताया, खुद ब्रूस ली ने उसको जिया है, उस पर वो चले हैं, और उन्होंने साबित किया है कि जो फिलॉसफी, जो सत्य की फिलॉसफी है वो होती है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किस तरह एक इंसान जो मार्शल आर्टिस्ट तो होता है, लेकिन हमारे भारत के ही एक स्पिरिचुअल टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाता है, और एक बन जाता है महामानव। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रूस ली की, जिन्होंने अपनी फिल्मों से, अपनी फिलॉसफी से लोगों को हिला के रख दिया, लोगों को इंस्पायर किया, जिन्होंने अमेरिका की जो मूवीज इंडस्ट्री है उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया, और जिन्होंने क्या किया मार्शल आर्ट को, कराटों को क्या किया हॉलीवुड में लाए, पूरी दुनिया तक उन्होंने पहुंचाया, उन्होंने मार्शल आर्ट को, जीत कुंडो को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, और उसको एक पहचान दी, और लोगों को एक नई जीवन शैली दी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ब्रूस ली की। ब्रूस ली का देखिए जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था इनका जन्म? 27 नवंबर 1940 में। मैं आपको बता दूं, ये महज सिर्फ 33 साल की एज में इनकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है, July 20, 1973 में। ये क्या थे, चाइनीज अमेरिकन एक्टर थे, ठीक है, मार्शल आर्टिस्ट थे, ठीक है, मूवी डायरेक्टर थे, मूवी प्रोड्यूसर थे, स्क्रीन राइटर थे, फाउंडर ऑफ जीत कुंडो थे, या हम कहें ये एक महामानव थे, हम ऐसा भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं खुद भी ब्रूस ली से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, मैंने ब्रूस ली से बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इनकी जो लाइफ है, इनके जो लाइफ जीने का तरीका है, ये बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब एक रोर है इनके ज़िंदगी में, एक दहाड़ है, एक शेर की तरह जीते हैं, एक राजा की तरह जीते हैं। जब इनके पास कुछ भी नहीं था और जब ये बात करते थे, ऐसा लगता था कि ये इंसान सच में एक महान इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। और जब इनके पास था तब तो लोग इंस्पायर थे ही, उससे पहले भी इनसे बहुत से लोग इनसे इंस्पायर थे। ये तो बात हो गई इनके जन्म की। मैं आपको बता दूं, इनके जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या, मूवीज़ में ये लोग छोटा मोटा काम करते रहते हैं, वो लोग मूवी इंडस्ट्री में जुड़े रहते हैं। तो जब इनका जन्म होता है, इनकी जो पिताजी होते हैं वो चाइनीज होते हैं, इनकी जो माँ होती है अमेरिकन होती हैं। इसी वजह से कभी कभी ब्रूस ली को स्कूल में चिढ़ाया जाता था कि अमेरिकन चाइनीज मिक्सचर, ऐसे करके इनको चिढ़ाया जाता था। ब्रूस ली छोटे होते हैं तो ये काफ़ी मतलब लकी होते हैं कि इनको बहुत ही 4 से 5 साल के एज में इनको मूवीज़ में काम मिलने लगता है, क्योंकि जो बच्चों का रोल होता है, जिनके पिताजी उसी बैकग्राउंड से थे, तो छोटे मोटे रोल्स ब्रूस ली को मिलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्रूस ली बड़े होते हैं, इनको डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो वहीं पर हांगकॉन्ग में क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पर चाइनीज डांस होता है वहाँ पर ये डांस को जीतते भी हैं। लेकिन फिर ब्रूस ली धीरे धीरे और बड़े होते हैं, और इनको स्कूल में क्या होता था, बुली किया जाने लगा, इनको मारा जाने लगा, जिससे परेशान होकर ब्रूस ली क्या करते हैं, कराटे सीखने का फैसला करते हैं। इन्होंने, मैं बता दूं दोस्तों, जो ये होता है विंग चुन करके जो होता है, उसके जो सबसे बड़े गुरु थे, उनसे भी इन्होंने क्या किया था, इंस्पिरेशन लिया था। फिर ये क्या करते हैं, मार्शल आर्ट सीखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्लास 10th में होते हैं, और एक लड़का आता है, इन्हीं के एरिया का बहुत बड़ा गुंडे का बेटा होता है, वो आता है, जैसे वो सबको परेशान करता था वैसे ब्रूस ली को वो परेशान करना चाहता है, ब्रूस ली को दबाना चाहता है। लेकिन ब्रूस ली क्या करते हैं, उसको इतना मार के उसका पैर तोड़ देते हैं। पैर टूटने के बाद क्या होता है, इनके जो पिताजी होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो जो बेटा था बहुत बड़े गुंडे का बेटा था, बहुत बड़े माफिया का बेटा था, तो इनके पिताजी को डर था कहीं ऐसा ना हो कि ब्रूस ली को वो लोग मार डालें, जान से ना मार डालें। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ब्रूस ली को क्या किया जाता है, इनको भेज दिया जाता है बाहर, ठीक है दोस्तों, इनको कहाँ भेजा जाता है, अमेरिका भेजा जाता है।
अमेरिका खुद भी ब्रूस ली जाना चाहते हैं क्योंकि इनको ये पता होता है कि जो हॉलीवुड है, जो अच्छी जगह है, वहाँ पे जाके मैं अपनी चीज़ों को बढ़ा सकता हूँ, अपनी चीज़ों को वहाँ पे फैला सकता हूँ। ठीक है, उस वक्त इनकी एज लगभग 23 से 24 साल होती है। फिर ये इनको अमेरिका जाने का फैसला लिया जाता है और इनको ये रहता है कि वहाँ पे जाके जो मार्शल आर्ट है, जो मेरी फिलॉसफी है, इसको मैं फैला सकता हूँ। क्योंकि ये विंग चुन तो इन्होंने सीखा था, इन्होंने खुद से मार्शल आर्ट को डेवलप करने लगे थे। ये मार्शल आर्ट के लिए बहुत बेहतरीन थे, इसलिए खुद से ये मार्शल आर्ट को डेवलप करने लगे थे। यहाँ तक कि मैं बता दूँ, स्ट्रीट फाइट जहाँ भी रहते थे वहाँ पे बहुत करते थे ये। मतलब कभी गैंग वार होता था उसमें थी, बहुत पिटाई करते थे, कभी पिट के नहीं आते थे, पीट के ही आते थे, जिसकी वजह से इनके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं और इनको फिर अमेरिका भेज देते हैं। अच्छा, जब ये अमेरिका आने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका जो दोस्त होता है उसके एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में बताते हैं कि इतने साल के बाद जब मैं 32 या 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं क्या क्या अचीव कर लूंगा। उस लेटर में सारी चीज़ें ये लिखते हैं और उसमें ये भी बताते हैं कि मेरे पास लगभग इतने पैसे होंगे, मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगा, मैं बहुत ही बेहतरीन एक्टर बनूंगा। ये सब सारी चीज़ें उसमें क्या करते हैं, ये उसमें उन्होंने लिखा होता है। एक तरीके से इन्होंने क्या किया होता है, खुद को मैनिफेस्ट किया होता है। इनका कॉन्फिडेंट लेवल देखिए, उन्होंने लेटर में ये भी लिखा होता है कि मुझे पता है कि ये होके ही रहेगा, इस वजह से मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, मैं बहुत ही संतुष्टि से इसको कर लूंगा। फिर ये क्या होता है, अमेरिका में जाते हैं। अच्छा, इनको सिखाना बहुत पसंद होता है, ये एज अ टीचर खुद को ज्यादा मानते थे। मैं आपको बता दूं, देखिए मार्शल आर्ट में टीचर की जरूरत पड़ती है तो ये सिखाना इनको बहुत पसंद होता है। इनकी एज बहुत कम होती है लेकिन इनका एटीट्यूड हमेशा ना, मैं आपको बता दूं, मतलब टीचर के लेवल का रहता है। इनके जो स्टूडेंट होते हैं, जब ये जहाँ पे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे लोगों को सिखाने लगते हैं, तो वहाँ पे जब अमेरिका में जाते हैं जो ग्रेजुएशन ये करते हैं फिलॉसफी से करते हैं। ठीक है, फिलॉसफी बहुत सारे फिलॉसफर को पढ़ते हैं लेकिन इनकी फिलॉसफी बहुत डीप होती है। ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो प्रभावित होते हैं लाओसे से। लाओसे क्या है दोस्तों, एक चाइनीज फिलॉसफर है, बहुत बड़े फिलॉसफर हैं, वो स्पिरिचुअल टीचर हैं, ताबेजम। ठीक है, जो बुक है वो उन्हीं के नाम पर है, जो जिसको आज हर कोई, मतलब जितने भी बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भगवद गीता है, मतलब वैसे चाइना में क्या होता है, ताबेजम है, जो क्या करता है, ताओ के बारे में बात करता है, आत्मा के बारे में बात करता है, अनंत शक्ति के बारे में बात करता है। तो जो ब्रूस ली होते हैं ताबेजम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और उसी की फिलॉसफी पे ये चलते हैं। उसमें एक फिलॉसफी होती है बिलाई के वाटर। बिलाई के वाटर मतलब दोस्तों कि पानी एक ऐसी चीज़ है जो क्या होगी, अगर उसको ग्लास में डालें तो ग्लास में बदल जाए, मतलब ग्लास के फॉर्म में आ जाती है। उसको किसी भी फॉर्म में डालें तो किसी भी फॉर्म में ढल जाती है। पानी को आप तोड़ नहीं सकते, उसको आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो ब्रूस ली उसी चीज पे कहते हैं, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, नो कैन क्रैश, नो कैन यू डेड। ठीक है, मतलब पानी की तरह रहो, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है और पानी हर फॉर्म में क्या होगी, ढल जाएगी। और इनका जो मार्शल आर्ट होता है उसी फिलॉसफी पे चलता है, ये उसी पे चीजें करते हैं। इनका एक फिलॉसफी होती है कि फाइट विदाउट फाइटिंग, ये पानी को ही दर्शाता है कि फाइट विदाउट फाइटिंग मतलब क्या है, कि आपको अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे फाइट नहीं करना है, आपको अपने आप से ही फाइट करना है, खुद को ही बेहतर मनाते जाना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये मार्शल आर्ट सिखाने लगते हैं। वहीं पे मुलाकात होती है इनकी लिंडा ली से, जो कि आगे चल के इनकी लाइफ पार्टनर बनती है। ये है लिंडा ली, ठीक है दोस्तों, इनकी वाइफ है। जब ये अमेरिका में क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि मैं अपना क्या करूंगा, मैं अपना मार्शल आर्ट का कोचिंग स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक तरफ एक्टिंग के लिए लगातार इस पर काम करते रहते हैं लेकिन इनको एक्टिंग में जगह नहीं मिल रही होती है। हॉलीवुड में मौका पाना बहुत मुश्किल होता है, आज भी बहुत ही कंपटीशन है, पहले भी बहुत ही कंपटीशन था, तो वहाँ पे मौका मिलना बहुत ही मुश्किल था। और ख़ास करके चाइनीज एक्टर हैं, इनको मौका मिलना तो और भी मुश्किल था, क्योंकि चाइनीज एक्टर को वहाँ के जो डायरेक्टर थे, राइटर थे, ये लोग एक्सेप्ट बहुत नहीं करते थे। तो ब्रूस ली लगातार काम कर रहे थे, लगातार उसे वर्क कर रहे थे। फिर क्या होता है दोस्तों कि उसी वक्त क्या होता है कि जब ये कोचिंग सिखा रहे होते हैं, जो बड़े बड़े लोग सीखने आते हैं, तो उसी में एक इनकी स्टूडेंट होती है लिंडा ली करके, ली तो बाद में पढ़ता है, जो लिंडा होती है वो सीख रही होती है। तो ब्रूस ली का ध्यान उन पर जाता है, तो ब्रूस ली क्या करते हैं, उनसे जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि हम आज डिनर के लिए चले कहीं। तो लिंडा ली को लगता है कि सब ग्रुप वाले सब जा रहे हैं साथ में, इसलिए पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं सब लोग, तो ब्रूस ली बोलते हैं नहीं, सिर्फ मैं और आप। और उस टाइम लिंडा ली दीवानी हो जाती है, क्योंकि ब्रूस ली एक ऐसे शख्सियत थे जो बहुत ही ज़्यादा लवली थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थे, तो कौन लड़की उनसे प्यार नहीं करेगी। और लिंडा ली खुद को बहुत लकी मानती है, इस तरीके से इनका जो प्यार का परवान होता है वो चढ़ने लगता है। जब ब्रूस ली उनकी माँ से हाथ मांगने जाते हैं उनकी अपने मतलब लिंडा का, तो उनके मम्मी पापा बहुत हैप्पी नहीं होते हैं, क्योंकि ब्रूस ली के पास कोई अच्छी डिग्री नहीं होती है, फिलॉसफी की डिग्री होती है जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता है। उनके माँ बाप नहीं मानते हैं, बहुत ही दिक्कत करते हैं, लेकिन लिंडा ली सब कुछ छोड़ के ब्रूस ली पर भरोसा करके ब्रूस ली के साथ जाती हैं। और ब्रूस ली क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और
खुद को प्रूव करते हैं, फैमिली को प्रूव करते हैं, क्योंकि उसी वक्त दोस्तों इनके पिताजी की मौत हो जाती है और फिर क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जो ब्रूस ली को पूरी तरीके से बदल के रख देता है। प्रैक्टिस करते हुए दोस्तों उनके रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है। पैसे की तंगी है, एक तरफ सोचिए पैसे की तंगी है, पिताजी की मौत हो गई है, एक इंसान के पास कोई स्किल नहीं है। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आप 6 महीने तक किक नहीं मार सकते हैं, आप अब कभी किक नहीं मार सकते हैं, क्योंकि आपका पैर इस तरीके से टूटा है कि अभी कभी वो जुड़ नहीं सकता है। ब्रूस ली, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंट होता है अलग चरम पे होता है, उनका अलग लेवल पे होता है, बोलते हैं कि मैं ठीक कर लूंगा। उनके पास दोस्तों उस टाइम पे 1000 से ज्यादा किताबें होती हैं, उनका जो घर होता है, किताबें ये बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा किताबें ये पढ़ते हैं, नॉलेज बहुत लेते रहते हैं। फिर क्या होता है, 6 महीने तक ये क्या करते हैं, बेड पे लेट जाते हैं। बेड पे लेटते हुए क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, उसमें से बुद्ध की किताबें पढ़ते हैं, भगवद गीता तक पढ़ते हैं, लाओसो को पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल किताबें बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। उसी में एक किताब होती है जय कृष्णमूर्ति की, ठीक है, द डेथ करके किताब होती है। जय कृष्णमूर्ति दोस्तों इंडिया में जन्मे थे, लेकिन ये अमेरिका फिर चले जाते हैं, ठीक है, लंदन चले जाते हैं ये, ठीक है, तो वहाँ पे ये फिर इनकी पढ़ाई वढ़ाई होती है। तो ये आज के टाइम में जो वेस्टर्न है सबसे ज़्यादा वहाँ पे इनको फॉलो किया जाता है। तो इनकी किताब जब पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इंस्पायर इन्हीं से होते हैं और इन्हीं की किताब के थ्रू क्या करते हैं, खुद को हील करने लगते हैं। आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो लिंडा ली खुद ही बोलती हैं कि जो ब्रूस ली थे वो सबसे ज़्यादा इंस्पायर थे तो जय कृष्णमूर्ति से ही थे। इसी वजह जब आप जय कृष्णमूर्ति का वीडियो देखेंगे, उनके लेक्चर्स देखेंगे और ब्रूस ली की जब बातें सुनेंगे तो दोनों की बातें ऐसी लगती हैं जैसे सेम हैं, क्योंकि ब्रूस ली ने उनकी फिलॉसफी पर क्या किया था, खुद को चलाया था, खुद को फॉलो किया था। और दो तीन महीने में क्या करते हैं, खुद को हील करके इन फिलॉसफी के द्वारा अपनी रीढ़ की हड्डी को सही कर लेते हैं, अपने किक को, अपने पैर को सही कर लेते हैं और पहले से बेहतरीन किक ये मारने लगते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ चीज़ें होती हैं, ये मतलब उस चीज़ से निकल के बाहर आते हैं, फिर हार्डवर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 1964 में क्या होता है, इनका जो पूरा लाइफ होता है बदल जाता है। लाइफ कैसे बदलता है, 1964 में क्या होता है, एक अमेरिका में ये क्या होता है, एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें इनको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है, ठीक है, इनको एज ए गेस्ट बुलाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े चैंपियन होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट चैंपियन, जैसे आज फुटबॉल में, ठीक है, फ्लॉयड मेवेदर हैं, ठीक है, और खबीब हैं बॉक्सिंग में, तो वैसे ही वर्ल्ड के जो बड़े बड़े चैंपियन होते हैं वहाँ पे आते हैं। ब्रूस ली को क्या होता है, डेमो देना होता है। ब्रूस ली क्या करते हैं, वहाँ पे ऑन द कैमरा टीवी पे सारा कुछ आता रहता है। ब्रूस ली क्या करते हैं, उनको 8 पंच ऐसे मारते हैं, प्रैक्टिस के लिए मारते हैं, एक पंच भी वो चैंपियन क्या करता है, रोक नहीं पाता है। और जब फाइट होती है कुछ सेकंड के अंदर ही हरा देते हैं, उनका पूरा वीडियो आप देखेंगे, देखिएगा इंटरनेट पर है पूरा, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो वहाँ से क्या होता है, पूरी दुनिया की नज़र में आते हैं, हर जगह टीवी में, अखबारों में इनके इंटरव्यू आने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, ग्रीन हॉर्नेट जो सीरीज होती है उसका फिर से उस मूवी को मतलब उस सीरीज को फिर से बनाया जाने लगता है। तो उसके जो एक्टर होते हैं उनको एक पार्टनर चाहिए होता है, केटो नाम करके जो किरदार होता है वो चाहिए होता है। तो जिसके एक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रूस ली को मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, करिज्मेटिक है, उनको क्यों ना लाया जाए, वो काफ़ी मार्शल आर्ट भी अच्छा कर लेते हैं और इस कैरेक्टर लिए सबसे फिट हैं। फिर ब्रूस ली को सीरीज में काम मिलता है ग्रीन हॉर्नेट करके, उसमें काम मिलता है, उसमें ब्रूस ली जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि साइड एक्टर होते हैं, सपोर्टिव एक्टर होते हैं, केटो करके, जो कि बहुत बेहतरीन मार्शल आर्ट करता है। लेकिन जब वो सीरीज लॉन्च होती है दोस्तों, लोगों को केटो का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ब्रूस ली का जो प्रेजेंस होता है सिनेमा मतलब पिक्चर्स में, मतलब मूवीज़ में, सीरीज में, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उनका जो लड़ने का तरीका, उनकी जो फ्रिक्वेंसी, उनका जो मतलब एक्टिंग, बोलने का एटीट्यूड, लोगों को, लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ और होता है, ब्रूस ली संघर्ष करते रहते हैं, कुछ और होता है, होता ये है कि इनको पैसे की बहुत तंगी आ जाती है। उसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं कि ये जैसे वहाँ तो सीरीज कर रहे हैं, ये जो बड़े बड़े एक्टर होते हैं उनके घर पे जाके ये मार्शल आर्ट भी उनको सिखाने लगते हैं, उनको मार्शल आर्ट भी सिखाने लगते हैं, उनको लगातार काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन उतने से कुछ हो नहीं पाता है, महंगा शहर है, उनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वन इन पंच के बारे में। वन इन पंच लोगों ने बहुत सुना होगा, ब्रूस ली के जो वन इन पंच है दोस्तों, ठीक है, ये तो देखिए लाउसे हैं, ठीक है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। अगर आपको लाइफ में रियल सक्सेस चाहिए, रियल चेंज चाहिए, 100% गारंटी सक्सेस चाहिए, तो इन लोगों को फॉलो करिए, बुद्ध को फॉलो करिए, भगवद गीता को फॉलो करिए, जय कृष्णमूर्ति को फॉलो करिए, परमहंस योगानंद को फॉलो करिए, क्रिया योगा को फॉलो करिए, आप निश्चित ही आगे जाएंगे, क्योंकि ये जो पावर देती है वो अल्टीमेट पावर होता है, वो इनफाइनाइट पावर होता है। वन इन पंच के बारे में एक बहुत उनके बारे में ये था कि जब ब्रूस ली किसी को ऐसे टच करके, एक वन इंच दूर से टच करते थे, तो क्या होता था, इंसान 12 मीटर दूर, 13 मीटर दूर जाके गिर जाता था।
और 6 इंच से अगर पंच करते थे तो इंसान 20 मीटर दूर जाके गिरता था। तो मतलब इनकी इतनी ज़्यादा पावर थी कि अगर किसी को पंच मार दे तो मर जाए। मतलब ब्रूस ली अल्टीमेट, मतलब उनकी पावर आप सोच नहीं सकते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज होती थी कैमरे में वो कैद नहीं हो पाता था। इसी वजह से क्या होता था, जो डायरेक्टर होते थे वो बोलते थे आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो करिए वरना कैमरे में आ नहीं पाएगा। तो इनकी स्पीड इस तरीके से थी और लोगों को ये लगता कि ये क्या किया गया है, इसको एडिट किया गया है, अगर बहुत स्पीड होगी तो लोग यकीन नहीं करेंगे। तो ये था। फिर ब्रूस ली का क्या होता है दोस्तों कि मतलब एक्टिंग करते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, पैसे की तंगी होती है और ग्रीन हार्डन में काम करते हैं और एक दिन अपने वाइफ से बोलते हैं कि मुझे मुझे साइड रोल नहीं करना है, मुझे वो रोल पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए ब्रूस ली का एटीट्यूड ही ऐसा है, हीरो रियल में हीरो तो जो साइड रोल का कैसे ही करेगा वो, तो वो कहते मुझे नहीं करना है। फिर क्या होता है ग्रीन हॉर्नेट बंद भी हो जाता है और फिर इसकी वजह से क्या होता है इनको हांगकांग वापस जाना पड़ता है क्योंकि पैसे की बहुत तंगी होती है। और 4 साल बाद दोस्तों ब्रूस ली एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, बहुत इरिटेट हो चुके होते हैं क्योंकि 4 साल बीत चुके होते हैं। फिर हांगकांग आते हैं, वहाँ के डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं, ठीक है वहाँ पर मूवी बनाना चालू करते हैं, ठीक है धीरे धीरे कुछ मूवीज बनती हैं। और जब ये हांगकांग पहुँचते हैं, मैं आपको बता दूँ जब ये हांगकांग पहुँचते हैं ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि उस वक्त ग्रीन हॉर्नेट की वजह से ब्रूस ली बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। फिर हांगकांग में मूवी बनाने लगते हैं, ढेर सारी मूवीज़ बनाते हैं, फिस्ट एंड फ्यूरी से बहुत सारी मूवीज़ बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है हॉलीवुड के जो डायरेक्टर होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर ये हॉलीवुड जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ बनाते हैं, जैसे इंटर द ड्रैगन है, डेथ करके है इनकी मूवीज, आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है गेम अपडेट है, डेथ है, इंटर द ड्रैगन है, ठीक है ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनाते हैं और इनकी मूवीज़ हिट पे हिट हिट पे हिट होती है। चक नॉरिस हुए ठीक है और करीब हुए, ठीक है याद नहीं आ रहा, फुटबॉल प्लेयर थे जो आज एक्टिंग मतलब हॉलीवुड में बहुत बेहतरीन काम करते हैं, यहाँ तक कि जैकी चैन इन सबसे इंस्पायर थे और इन सब ने इनकी मूवीज़ में काम किया था। इन्होंने एक तरीके से रास्ता खोला था मार्शल आर्टिस्ट के लिए। लेकिन फिर इनका जो लास्ट मूवी होता है इंटर द ड्रैगन, इसमें क्या करते हैं वो मूवीज़ कर रहे होते हैं लेकिन इनके सर में क्या होता है दर्द होता है, इनके सर में कई बार दर्द हो चुका होता है। इसकी वजह से क्या होता है इनकी जो एक्ट्रेस होती है इनको एक पिल देती है, दवा देती है, और जैसे ही दवा खा के सोते हैं कमरे में वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है और जब लोग देखते हैं तो ब्रूस ली की डेथ हो गई होती है। डेथ कैसे हुई दोस्तों ये किसी को नहीं पता है, महज 33 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। उसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं ये हुआ है वो हुआ है लेकिन किसी को नहीं पता है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि ब्रूस ली की जो मौत हुई थी ज़्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी, सोडियम की मात्रा कम हो गई थी जिसकी वजह से ब्रूस ली की मौत हो गई थी। बहुत सारी वजह होती है दोस्तों डेथ होने में, कभी कभी हमको नहीं पता चलता है, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो नहीं थी जिसकी वजह से हमको पता चल पाए। और उस वक्त क्या होता है कि एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट की ऐसे एक्टर की मौत हो जाती है जो कि बहुत इंस्पायरिंग था, जो आने वाले वक्त में और बहुत बेहतरीन बेहतरीन हमको मूवीज़ देता और उस मूवीज़ के द्वारा हमको बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिलॉसफी मिल जाती। लेकिन कभी कभी ये होता है कुछ लोग कुछ काम के लिए ही बने होते हैं, जब वो काम हो जाता है तो भगवान उनको अपने पास बुला लेता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अब मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो जिसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों को इनके बारे में पता चले। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।